लेकिन राजदीप अपने 17 साल के लाइफ में सोनाली मैम को छोड़ के कोई और लड़की तुम्हें कभी पसंद नहीं आई? इसमें मैं बताना चाहूंगा मेरा फर्स्ट क्रश जो था वो स्टैंडर्ड 2 में मेरी इंग्लिश टीचर पे था। बराबर बराबर, बहुत लोगों का होता है यहाँ। और यहाँ पर राजदीप की मम्मी भी है। आंटी, आपको मालूम था कि आपका ये हसमुख बेटा ऐसी कारस्तानियां करता है स्कूल में? प्यार तो सबको ही करना है ना, टीचर, मम्मी, पापा, सबको ही प्यार होता है। Not only the girlfriend and boyfriend. अब समझ में आया आंटी, हमें ये naughtiness राजदीप में कहाँ से आती है। राजदीप, ध्यान से सुनिए, यूँ समझिए कि आपको शादी करनी है, हर किसी को करनी है, जैसे मम्मी ने कहा अभी। आपके पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो 7 लड़कियाँ बैठी हैं, इनमें से कोई एक। देखिए, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा जिसका रूप प्रियंका दीदी जैसा हो, जिसका दिल भव्या जैसा हो और जिसकी गायकी शनि दीदी जैसी हो। तो आप साफ साफ कह दीजिए ना कि आप 3 शादियां करना चाहते हैं। वेल, अभी तो हमारे जो राजदीप है वो सच्चाई उगल नहीं रहे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक शख्स है जो सच्चाई उगलवाने में माहिर है और वो है रेडियो मिर्ची। ज़रूर सुनते रहिएगा, वहाँ आपको राजदीप की सच्चाई पता जरूर चलेगी। अब चलते हैं हमारे जजेस के पास। सुना लीजिए, आपसे शुरू करते हैं। हाँ राजदीप, इम्प्रेस तो मैं जरूर हो गई। थैंक यू राजदीप, आपने बहुत अच्छा गाया। तुम जो भाग भाग के इधर आए, मैं समझा तुम मेरी तरफ आ रहे हो, दोस्ताना पिक्चर देख के मेरी तरफ आ रहे थे। लेकिन बेटर सेंस प्रेवेल्ड और पट से तुम यहाँ चले गए। लेकिन वाह 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 वाह, क्या गाता है, फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। थैंक यू सर। ये थोड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, ये दूसरे सिंगर हैं और अगर सब ऐसे ही गाते रहेंगे तो यहाँ जजेस सिर्फ वाह-वाह करने के लिए बैठे हैं क्या? तो बस यही कह देता हूँ कि बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।